दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो कुमाऊँवाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज में और मैं हूं आपकी रेडियो साथी हेमा। आज है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो कि हर साल 7 जून को मनाया जाता है। अगर हम बात करें इस दिन को मनाए जाने के पीछे का उद्देश्य कि आखिर ये खाद्य सुरक्षा क्या है और क्यों इसकी जरूरत है। दरअसल खाद्य जनित बीमारियों से हर साल 600 मिलियन यानी कि 60 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं और जिससे मुकाबला करना असाधारण रूप से महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि ये न केवल स्वास्थ्य की समस्या है बल्कि इससे सतत विकास के लक्ष्यों से भी जुड़ा है। ये विश्व खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि खाद्य जनित बीमारियां जो कि जीवाणुओं और विषाणुओं, परजीवी या रासायनिक पदार्थों से दूषित भोजन या पानी के जरिए शरीर में प्रवेश करने की वजह से होती है। और अगर हम बात करें तो एक आंकड़े के अनुसार हर साल करीब 4,20,000 लोगों की मौत दूषित खाने से होती है और इसीलिए इस दिन को मनाया जाता है। और इसके साथ ही इसका मुख्य उद्देश्य सभी लोगों को पर्याप्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है ताकि कोई भूख के कारण ना मरे, और साथ ही देश में खाद्य सामग्री के उत्पादन, रखरखाव और वितरण को बढ़ावा देना भी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का उद्देश्य रहा है। अगर हम बात करें ये खाद्य सुरक्षा क्या है तो आइए जानते हैं। खाना जीवन की मौलिक जरूरतों में से एक है और इसके बिना जीवन संभव नहीं है। अगर हम बात करें भारत की तो भारत देश के लोगों को स्वच्छ और पूरा खाना उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन खाद्य सुरक्षा का अर्थ इससे कई अलग है। कहते हैं कि किसी भी देश की खाद्य सुरक्षा प्रणाली में देश भर में खाद्य पदार्थों का उत्पादन, आयात, निर्यात और सरकार के पास जमा अनाज का कुल स्टॉक शामिल होता है, तो लोगों को सही समय पर स्वच्छ और पर्याप्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाना, लोगों की खाद्य जरूरतें पूरी करना खाद्य सुरक्षा का ही हिस्सा है। और किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा उसकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली और शासकीय सतर्कता और खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर ही निर्भर करती है। देश में खाने के पर्याप्त भंडार हैं, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि देश में अभी भी भुखमरी और कुपोषण है। अगर आंकड़ों की बात करें तो दुनिया भर में लगभग 24,000 लोग प्रतिदिन भूख से मरते हैं और इनमें से 18,000 बच्चे होते हैं, जिसमें एक तिहाई यानी कि 6,000 बच्चे भारत के होते हैं। और देश में भुखमरी के हालात होते हुए भी सही व्यवस्था न होने के कारण अनाज खराब हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी व्यक्तियों की सभी समय पर पर्याप्त, सुरक्षित और आहार तक भौतिक, सामाजिक और आर्थिक पहुंच हो, और जो उनके सक्रिय तथा स्वस्थ जीवन के लिए उनकी आहार आवश्यकताओं तथा भोजन वरीयताओं को भी संतुष्ट करें। तो इस परिभाषा को अगर हम जानें तो इसके अनुसार खाद्य सुरक्षा में स्वाभाविक रूप से पोषण सुरक्षा का भी समावेश है। इस खाद्य सुरक्षा दिवस पर अगर हम बात करें तो हम सभी को अपने खाने की सुरक्षा के बारे में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में 44,000 से ज़्यादा लोग हर मिनट दूषित खाने की वजह से बीमार होते हैं। खराब या दूषित खाना खाने की वजह से प्रत्येक साल में लगभग 4,20,000 लोगों की मौत हो जाती है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन यूरोपीय क्षेत्र की रिपोर्ट के अनुसार दूषित जहरीला खाना खाने से लगभग
44 लोग रोजाना मर जाते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने का ये मुख्य कारण भी है कि लोगों को साफ और शुद्ध खाने के लिए जागरूक किया जाए। आप अपने खाने का विशेष तौर पर ध्यान रखिए, घर में साफ सफाई के साथ खाना खाएं, क्योंकि बाहर के खाने में गंदगी और इन्फेक्शन का खतरा हमेशा बना रहता है, और बाजार में मिलने वाले चमकदार और रंगीन खाद्य पदार्थों का सेवन कम से कम करें। फल और सब्जियों को हमेशा ठीक से धोकर खाएं। स्टिकर वाले फलों का उपयोग करने से बचें। स्वास्थ्य के लिए जरूरी पोषक तत्व देने वाले खाद्य पदार्थ को ही भोजन में शामिल करें। अपने खाने को पॉलिथीन या अखबार में लपेटकर ना रखें। प्लास्टिक के बर्तन में गर्म भोजन कभी भी ना करें। 4 से 6 घंटे पहले बने भोजन का उपयोग करने से बचें। फल और सब्जियों का उपयोग करते समय सड़े गले फलों को न खाएं, और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। रखिए अपनी सेहत का ध्यान। फिलहाल अपनी रेडियो साथी हेमा को दीजिए इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार।